नमस्ते, यादव किचन में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं इमली की चटनी। उसके लिए मैंने ये इमली ले ली है और मैंने पानी लिया है। इसमें मैं भिगो दूंगी ताकि थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए इसकी गुठली। इसे सॉफ्ट होने के लिए हम रख देते हैं भिगो के। 2-3 घंटे लगेंगे इसको भीगने में, तो 2-3 घंटे बाद मिलते हैं आपसे फ्रेंड। मेरी ये फ्रेंड्स, ये हमारे 3 घंटे तक हमने भिगो ली है इमली को, क्योंकि इसमें गुठली भी थी। हम मसल मसल के अच्छे से हाथ से, अगर बगैर गुठली की है तो आप इसे भिगोने के बाद, फिर आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। बगैर गुठली के तो आप उसे 15-20 मिनट, आधे घंटे ज़्यादा ज़्यादा भिगो दीजिए और फिर मिक्सी में घुमा लीजिए। अब इसको थोड़ा सा मैं मसल लूँगी हाथ से ताकि इसकी गुठलियाँ निकल जाएंगी। हम इसको छान लेंगे पानी को, इसका सारा जूस नीचे निकल जाएगा। तो हमें चम्मच से इसको चला चला कर निकालना पड़ेगा इसका टेस्ट। तो इसको अच्छे से निकाल लेते पहले। ये लीजिए फ्रेंड्स, इसमें से हमने निकाल लिया। ये देखिए कितना गुठलियाँ वगैरह निकली हैं इसमें से। मुझे वो बगैर गुठली की मिली नहीं थी तो मुझे ये लेनी पड़ी। ये मैंने 250 ग्राम का पैकेट लिया था, इसीलिए मैंने उसको पानी में 2-3 घंटे के लिए भिगोया था ताकि वो आराम से उसमें से गुद्दा निकल सके। ये देखिए हमारा पेस्ट। अब इसमें से मैं इसमें से थोड़ा सा निकाल लूँगी, क्योंकि कभी सांभर वगैरह बनाती हूँ तो सांभर में डालने के लिए मुझे ये पेस्ट चाहिए होता है इमली का। तो आप ऐसे करके निकाल सकते हैं, क्योंकि सांभर में इमली डालनी होती है। तो इस पेस्ट को आप इस सांभर के लिए निकाल के रख सकते हैं। आपको जितनी चटनी बनानी है उतनी आप ले लीजिए। मुझे ये निकालनी थी इसलिए मैंने 250 ग्राम ली थी। अगर आपको चटनी बनानी है तो आप 100 ग्राम से भी बना सकते हैं, 50 ग्राम से भी बना सकते हैं। पेस्ट बनाया है, बट अभी मैं इसको एक बार और छान लेती हूँ ताकि इसमें कोई मिट्टी होगी तो वो निकल जाएगी, फिर उसके बाद हम इसे बनाएंगे। इसको 2 बार तो छान ही लें, रेशा निकला था और ये इसमें अब भी थोड़ा है गन, तो इसको छान लिया है। अब हम बना लेते हैं इसको। नीचे गैस चला देते हैं हम। इमली का जो हमने पेस्ट निकाला है वो है, अभी हमने इसमें कुछ नहीं डाला है। इसके लिए अब सबसे पहले मैं इसमें हम नमक डाल देंगे। नमक डाल देते हैं, थोड़ी सी रेड चिल्ली, काला नमक जरूर डालें, इससे इसका टेस्ट अच्छा और अच्छा हो जाता है। और थोड़ा जीरा, ये काला जीरा, भुना हुआ जीरा। अब इन सबको मिक्स कर लेंगे। गैस को मीडियम रख लीजिए। ये देखिए इसमें बॉईल आ भी गया है। अब इसमें हम चीनी डाल देते हैं थोड़ी सी। अगर आप चीनी लिए 2 चम्मच, इसको डाल दिया। टू टेबल स्पून चीनी डाली है मैंने, आप
मैं चीनी और गुड़ दोनों डालूंगी इसमें। आप खाली चीनी से ही बना सकते हैं, सिर्फ गुड़ से भी बना सकते हैं। और मैंने खाली इमली की बनाई है, अगर आप चाहें तो खजूर भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। खजूर इमली की जो चटनी होती है वो भी बना सकते हैं। तो इसके लिए अब मैं इसमें गुड़ डाल देती हूँ, और गुड़ को मैं थोड़ा सा इसको काट लूंगी बारीक बारीक, ताकि जल्दी से ये इसमें मिक्स हो सके। आप इसको ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। ये मैंने 50 ग्राम के करीबन गुड़ लिया है, क्योंकि हमने शुगर भी ऐड की है, और मैंने इसमें सौंठ का पाउडर भी नहीं डाला है। उसके लिए मैंने ये अदरक ली है, क्योंकि अदरक का जो पाउडर होता है सूखी अदरक का, उसी को हम सौंठ का पाउडर कहते हैं। तो इसलिए मैंने अदरक ग्रेट करके डाल देती हूँ। क्योंकि इससे सौंठ का टेस्ट और बढ़ जाएगा। और मैं, आप देख सकते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि फ्रेश ही चीज यूज की जाए। मिक्स कर देते हैं, ऐसे ही गुड़ मिल जाएगा, तो आप इसको टेस्ट करके देख सकते हैं कि इसमें मीठा आपके अकॉर्डिंग है या नहीं। अगर कम है तो आप इसमें डाल सकते हैं। अभी हम इसको पका लेते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि हमने अदरक भी डाली है, तो अदरक का फ्लेवर भी इसमें हमें चाहिए। जैसे जैसे पकेगी ये, वैसे वैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा। आप इस चटनी को बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं, टिक्की में, दही बल्लों में, या कोई और भी चाट, भेल पूरी, जो भी आप बनाते हैं उसमें आप यूज कर सकते हैं। इसलिए से घर में बना कर रख लीजिए, फिर आप काफी दिन तक, महीनों तक चला सकते हैं इसको, क्योंकि तो अच्छी तरह पक जाएगी, तो इसमें खराब होने का कुछ भी नहीं है। बनने के बाद कुछ लोग इस चटनी में केले भी डालते हैं, जब बन जाती है उसके बाद मिक्स कर दीजिए केले काट के, वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। आप इसमें अंगूर डाल सकते हैं, लेकिन जब आपको खाना हो तभी उसमें वो फ्रूट्स ऐड करें, अदरवाइज ऐसे ही रखें, हमारी खराब हो जाएगी। हमारी चटनी बन चुकी है, ये देखिए कितनी गाढ़ी हो चुकी है। ये मैंने अदरक डाली थी तो वो आ रही है, अब मुझे एक बार इसको छानना भी होगा। ये देखिए कितनी गाढ़ी चटनी है। पानी इसका पूरा सुखा ले, चीनी का पानी भी, और वैसा पानी जो हमने इसमें डाला था, क्योंकि अगर ये ढंग से पकी नहीं अच्छे तरीके से तो फिर चटनी खराब होने के चांसेस हैं। अदरवाइज 6-6 महीने तक चटनी खराब नहीं होती। आप इसको फ्रीजर में रख सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं। ये लीजिए चटनी हमारी तैयार है, मैं इसको एक बार छान लेती हूँ। गैस बंद कर देते हैं। मुझे गैस बंद कर दी है, अब मैं इसको छान लेती हूँ, फिर मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी शाइनिंग है, कितना अच्छा कलर आया है इसमें। हमने कोई तेल की कुछ यूज नहीं करा है, और आप यकीन मानिए बहुत अच्छी बनी है। अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो ये काफी चल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर रेसिपी पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें यादव किचन को। थैंक यू।